दोस्तों, आज हेयर ट्रांसप्लांट को पूरे 2 महीने हो चुके हैं और 2 महीने में मैंने क्या अनुभव किया और कैसी कंडीशन है वो इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों। और इस चैनल पे मैं अपनी जो हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी है वो शेयर कर रहा हूँ स्टार्टिंग से, और आगे भी शेयर करता रहूँगा। तो 2 महीने मेरे हो चुके हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसी कंडीशन है, क्या क्या हुआ है 2 महीने में। दोस्तों, अभी कुछ कंडीशन इस तरीके की है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि 2 महीने में ऐसा हुआ है कि पहले बाल यहाँ से पूरे लगाए गए थे, और दोस्तों अभी शेडिंग फेज चल रहा है जो यहाँ तक पूरे झड़ चुके हैं। ये मेरे पुराने बाल हैं जो कि आपको अभी दिख रहे हैं इस वीडियोज़ के अंदर में, और पूरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था यहाँ से लेकर पीछे भी। और दोस्तों अभी मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ। उससे पहले ये बता दूँ दोस्तों कि 2 महीने में ऐसा रहा मेरे साथ कि जैसे मैंने 1 महीने कुछ मतलब कैप वैप कुछ भी यूज़ नहीं करी थी, लेकिन 1 महीने के बाद ऐसा होने लग गया कि यहाँ से अलग दिखने लग गया बाल, और जैसे लोगों को मतलब पहचानने लग गए कि हेयर ट्रांसप्लांट कराया है नहीं कराया, आपने कराया हुआ है, ऐसे पहचानने लग गए। तो हम मेरे को कैप लगानी ज़रूरी हो गई, और जैसे कहीं जाते हैं तो हेलमेट की भी ज़रूरत पड़ती है, तो मैं हेलमेट भी लगा लेता हूँ, ज़्यादा देर नहीं लेकिन कुछ टाइम हेलमेट लगा लेता हूँ दोस्तों। और कैप मैं ऐसी रखता हूँ जो बिल्कुल हल्की हो, हल्के से मैं रख सकूँ, बस इसको ढक सकूँ। तो इस तरीके से मैं कैप यूज़ कर रहा हूँ। अभी अभी शेडिंग फेज चल रहा है मेरा 2 महीने में। पहले मेरे पूरे यहाँ बाल 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 दिख रहे थे जैसे लगाए हुए हेयर ट्रांसप्लांट बाल, जो कि पिछले वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। अभी वो सारे झड़ चुके हैं, ये देख लीजिए आप, पूरे झड़ गया, शेडिंग फेज चल रहा है। और यहाँ पीछे भी बाल लगाए थे जो कि अभी झड़ चुके हैं, आप देख सकते हैं पूरा मतलब शेडिंग फेज चल रहा है। और इन 2 महीनों में मैंने ये देखा है कि शेडिंग फेज में बाल जाते हैं, और हम जैसे शैम्पू करते हैं या बाल धोते हैं तो हाथों में बाल आते हैं, छोटे छोटे बाल बहुत सारे आ जाते हैं। और आपको शैम्पू भी करना होता है दोस्तों, क्योंकि गंदगी नहीं होनी चाहिए बालों के अंदर। और ऑयल भी लगाना होता है, जो मैं नारियल का तेल लगाता हूँ हर तीसरे चौथे दिन, नारियल के तेल की थोड़ी मसाज करके हल्के हाथों से, और फिर शैम्पू से वॉश कर लेता हूँ, जॉनसन बेबी शैम्पू से थोड़ा ऐसे करके, और फिर वॉश कर लेता हूँ। मैंने पिछले वीडियोस में बता भी रखा है दोस्तों। तो 2 महीने में इस तरीके से हुआ है। आई होप आगे देखते हैं कि कैसा रिजल्ट आता है, शायद सही आएगा, क्योंकि पूरी अच्छी तरीके से हेयरलाइन बनी थी और थोड़े बहुत टेम्पल भी बने थे जो कि अभी पूरा झड़ चुका है। और ये पुरानी कंडीशन में आ चुका हूँ, जैसे मैं पुराना पहले बाल बाल हुआ करते थे हेयर ट्रांसप्लांट से पहले, उस तरीके से। तो आगे देखते हैं कैसे रिजल्ट आते हैं दोस्तों। और इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस लाने वाला हूँ, तो आप उसको देखिए, एक एक चीज़ बताऊँगा कि हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होता है, क्या नहीं होता, कैसे क्या कॉस्ट रहती है, साथ ही क्या फ़ायदे मतलब होते हैं और क्या नुकसान भी हो सकते हैं, तो वो सारा चीज़ बताऊँगा, पूरी जर्नी शेयर करूँगा दोस्तों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, और दोस्तों कुछ भी डाउट है आपका तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं अपने 2 महीने के एक्सपीरियंस से आपको वो बता सकता हूँ। और आपको ये भी पूछना है कि मैंने कहाँ से कौन से क्लिनिक से या कौन से हॉस्पिटल से हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। साथ ही मैंने कुछ वीडियोज़ पहले भी बना रखे हैं, तो आप वो भी वॉच करिए, और कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। 2 महीने का मैंने रिजल्ट दिखाया है, आगे का भी इस चैनल पर लाने वाला हूँ। तो अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।